हाय माय आरडीए स्टूडेंट, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैव एज मेन वर्ब को इन फ्यूचर में स्टडी किया था। हम हैव का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हैव एज मेन वर्ब का यूज विद अदर एक्सिलरी वर्ब्स, मीन्स एज, कैन, कुड, शुड, मस्ट हैव, शुड हैव के साथ हैव का यूज़ हमें करना है और हम कैसे करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। और आज के ही वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन भी करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। मीन्स आप कह सकते हैं आज हम कम्प्लीटली हैव का यूज़ स्टडी करने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हैव एज मेन वर्ब, यानी हैव का यूज मेन वर्ब की तरह होगा और किसके साथ होगा? विद अदर एक्सिलरी वर्ब, मीन्स मे, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट, सजेशन ऑफ प्रेजेंट, सजेशन ऑफ पास्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम सिर्फ सिंपल सी एक बात समझाएंगे और उस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप हैव का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर पास होना, पास होना या पास रखना, पास रखना। अब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के अगर पास होने या रखने की बात की जाती है तो हमारी वर्ब हमेशा हैव होती है। हैव एक वर्ब है। जैसे आप सिंपल कम, गो, टीच, डांसिंग का यूज करते हैं, वैसे ही हैव एक वर्ब है। इसकी भी 5 फॉर्म होती हैं। इसका मतलब होता है पास होना या पास रखना किसी भी टेंस में। जैसे गो का यूज किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हो सकता है, टीच का, डांस का, सिंग का, रिंग का, कहीं भी यूज हो सकता है। हम क्या करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। वहां पर जो वर्ब मेन वर्ब की यूज होती है वही हम इन वर्ब का यूज कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही हैव एक वर्ब है जिसकी हिंदी होती है पास होना या पास रखना। किसका? किसी भी चीज का। अगर पास होने या पास रखने की बात की जा रही है तो मतलब हैव हमारी मेन वर्ब है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग होता है, वैसे ही हैव की 5 फॉर्म्स होती हैं। हैव सेकेंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। फोर्थ फॉर्म आपकी हैविंग होती है, हैविंग, और फिफ्थ आपका हैज होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म हैज मीन्स एसईएस फॉर्म। अब हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हो, वहां पर अगर पास होना या पास रखना आया है तो उस टेंस में या उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जो फॉर्म मेन वर्ब की लिखी जाती होगी वही फॉर्म हमें हैव की यूज करना है। सपोज शुड हैव में आ गया है, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हम हैड का यूज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज कर देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो हैव का यूज कर देंगे। अगर मे में आया है तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो हैव का यूज कर देंगे। मस्ट हैव में आया है तो मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हैड का हम यूज कर देंगे। सिर्फ आपको इतना समझना है कि कहीं भी अगर पास रखना, पास होना है तो सेंटेंस को हम उसी टेंस के स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। जहां मेन वर्ब हम लिखते हैं वहां मेन वर्ब की जो फॉर्म लिखी जाती है वहां पर हम हैव का यूज मेन वर्ब की तरह कर देंगे। जो फॉर्म लगती होगी वही फॉर्म हम हैव की यूज करेंगे। यही आपने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में पढ़ा है और यही आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, इस पत्र में कई गलतियां हो सकती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस हमारा जो है वो मे का है, वो मे का सेंटेंस है। हमारे पास दूसरों से बात करने का ढंग अवश्य होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे, आप जानते हैं और आपने पढ़ा भी है कि ये सेंटेंस हमारा मस्ट का है, क्योंकि चाहिए हो और सेंटेंस के बीच में अवश्य जरूर शब्द है तो वो सेंटेंस हमारा मस्ट का होता है।
आपके पास यह किताब होनी चाहिए थी। ये सेंटेंस किसका है? शुड हैव का है। मैंने आपको बताया था सिर्फ चाहिए तो शुड, चाहिए के साथ अवश्य या जरूर तो मस्ट, चाहिए के साथ था थी थे तो शुड हैव का। तो ये शुड हैव का सेंटेंस है। अच्छा हो सभी के पास सब कुछ हो, ये सेंटेंस हमारा सजेशन आप प्रेजेंट का है या फिर आप हैड बेटर का सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा होता मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता, तो ये सजेशन आप पास्ट का सेंटेंस है। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं रहा होगा, तो ये सेंटेंस हमारा मस्ट हैव का है। क्या बच्चों के पास अपने अध्यापकों का पता होना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा शुड का है। तो आपने देखा सजेशन आप प्रेजेंट, सजेशन आप पास्ट, शुड में, शुड हैव में, मस्ट हैव में सभी का यूज हैव एज मेन वर्ब का हुआ है। देखिए गलतियां हो सकती हैं, हमारे पास आया है पास, यानी सारे सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति किसी भी चीज किसी भी वस्तु का पास होना या पास रखना बताया जा रहा है, इसलिए सारे सेंटेंसेस की जो मेन वर्ब है वो हैव है। चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेंटेंस किसका है? मे का है, और सेंटेंस है कैसा? अफर्मेटिव। आप जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन में हमारे मेनली फोर टाइप के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव। मे का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, इस पत्र में कई गलतियां हो सकती हैं, तो दिस लेटर। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है, मतलब इस पत्र के पास हो सकती है, मतलब पत्र में हो सकती है, तो क्या लिखेंगे? दिस लेटर मे हैव, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है इसलिए हमने हैव का यूज किया है। दिस लेटर मे हैव कई गलतियां, मैनी मिस्टेक्स, मैनी मिस्टेक्स। हमारे पास दूसरों से बात करने का ढंग अवश्य होना चाहिए, ये सेंटेंस मस्ट का है। मस्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हमारे पास, मीन्स वी। आफ्टर दैट मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? पास होना। फर्स्ट फॉर्म लिखना है, हैव है, तो वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए? ढंग। वी मस्ट हैव मैनर क्या करने का? दूसरों से बात करने का। मैनर तो क्या हो जाएगा? टू टॉक दूसरों से, अदर्स। वी मस्ट हैव मैनर टू टॉक अदर्स। अब देखिए यहां पर जो मस्ट हैव है, आप सोचें कि मस्ट हैव एक साथ दिख गया है तो ये हमारी मस्ट हैव है, हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, यहां पर मस्ट हमारी एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसका मतलब है पास होना या पास रखना। नेक्स्ट इज, आपके पास यह किताब होनी चाहिए थी, तो ये सेंटेंस हमारा शुड हैव का है। शुड हैव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है शुड हैव का, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, आपके पास, आप मीन्स यू, प्लस शुड हैव, यू शुड हैव। शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, पास होना है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैड, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड। क्या होना चाहिए? यह किताब, मीन्स दिस बुक। यू शुड हैव हैड दिस बुक। अच्छा हो सभी के पास सब कुछ हो, सजेशन आप प्रेजेंट का है। सजेशन आप प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सभी, सभी के पास मीन्स एवरीबॉडी और एवरीवन यू कैन से, या आल भी आप बोल सकते हैं। एवरीबॉडी हैड बेटर, हैड बेटर। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म पास होना हैव। एवरीबॉडी हैड बेटर हैव, सब कुछ मींस एवरीथिंग। नेक्स्ट इज,
अच्छा होता मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता। सजेशन ऑफ पास्ट का है, सजेशन ऑफ पास्ट का आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको कुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, कैन, कुड दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, सजेशन ऑफ प्रेजेंट, सजेशन ऑफ पास्ट, सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं। तो अगर आप उस वीडियोज़ को वॉच कर लेंगे तो आपको आज का सेशन और आने वाला सारा सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर होता है इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले अच्छा होता के लिए लिखा जाता है इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर मीन्स अच्छा होता, प्लस सब्जेक्ट मेरे मीन्स आई, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पास होना हैव की थर्ड फॉर्म हैड, आई हैड हैड क्या होता तुम्हारे जैसा भाई, आई हैड हैड अ ब्रदर लाइक यू। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा या डाउट मत होइएगा कि यहाँ हैड हैड दो बार कैसे आ गया। बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये जो हैड है वो हमारी सजेशन ऑफ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है वो हमारी मेन वर्ब है जिसका मतलब है पास होना या पास रखना। इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर, आई हैड हैड अ ब्रदर लाइक यू। नेक्स्ट इज उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं रहा होगा, मस्ट हैव का सेंटेंस है और मस्ट हैव का निगेटिव सेंटेंस है। तो मस्ट हैव का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है उसके पास मीन्स ही, प्लस मस्ट सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पास होना की थर्ड फॉर्म हैव की हैड, ही मस्ट नॉट हैव हैड शब्द नहीं रहा होगा, ही मस्ट नॉट हैव हैड वर्ड शब्द नहीं रहा होगा कहने के लिए तो वर्ड टू से, ही मस्ट नॉट हैव हैड वर्ड टू से। नेक्स्ट इज क्या बच्चों के पास अपने अध्यापकों का पता होना चाहिए, क्या बच्चों के पास अपने अध्यापकों का पता होना चाहिए, सेंटेंस हमारा शुड का है। शुड का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम शुड लिखते हैं, देन शुड प्लस सब्जेक्ट बच्चों मीन्स चिल्ड्रन, शुड द चिल्ड्रन हैव, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, हैव एज मेन वर्ब, क्या बच्चों के पास अध्यापकों अपने अध्यापकों का पता होना चाहिए, शुड द चिल्ड्रन हैव पता एड्रेस, द एड्रेस ऑफ दियर टीचर्स, शुड द चिल्ड्रन हैव द एड्रेस ऑफ दियर टीचर्स, और यू कैन से शुड द चिल्ड्रन हैव दियर टीचर्स एड्रेस। तो ये दियर टीचर्स है जो टीचर्स में सिर्फ पोस्ट ऑफिस का साइन लग जाएगा, मीन्स यहाँ पर ऐसे कर देंगे टीचर्स और फिर लास्ट में हम एड्रेस लिख देंगे। तो ये भी हमारा सही है, आपको पता है चाहे पोस्ट ऑफिस यूज करें या फिर ऑफ का यूज करें, दोनों का मतलब काकी की होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए रिविजन कर लेते हैं। इस पत्र में कई गलतियां हो सकती हैं, दिस लेटर में हैव मैनी मिस्टेक्स, हमारे पास दूसरों से बात करने का ढंग अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट हैव मैनर टू टॉक अदर्स, आपके पास यह किताब होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड दिस बुक, अच्छा हो सभी के पास सब कुछ हो, अच्छा हो सभी के पास सब कुछ हो, एवरीबडी और एवरीवन हैड बेटर हैव एवरीथिंग, अच्छा होता मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता, इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर, आई हैड हैड अ ब्रदर लाइक यू।
नेक्स्ट इज उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं रहा होगा. ही मस्ट नॉट हैव हैड वर्ड टू से. क्या बच्चों के पास अपने अध्यापकों का पता होना चाहिए? शुड द चिल्ड्रेन हैव द एड्रेस ऑफ दियर टीचर्स और शुड द चिल्ड्रेन हैव दियर टीचर्स एड्रेस. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. और अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इस के यूज स्ट्रक्चर कुछ भी आपको याद नहीं करना होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. निगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन नहीं है तो आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट मेरा मींस आई. डू और डज तो आई के अकॉर्डिंग डू नॉट, आई डू नॉट. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में पास होना हैव, आई डू नॉट हैव, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव अ पेन. क्या मेरे पास एक पेन है? डू आई हैव अ पेन. क्या मेरे पास एक पेन थी? तो हो जाएगा डिड आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन थी तो आई हैड अ पेन, क्योंकि अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का है तो सेकंड फॉर्म लगती है तो हैड सेकंड फॉर्म है. फ्यूचर में होगा मेरे पास एक पेन होगी तो आई विल हैव अ पेन. में होगा तो मे, कुड हैव में होगा तो कुड हैव. मीन्स टेंस और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग आपको इस वर्ब की हैव की फॉर्म को यूज कर देना है. बहुत ही सिंपल है. आई होप कि आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और विद मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स या फिर एक्सिलरी वर्ब्स के साथ भी आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिलेटेड हैव और एनी चैप्टर ऑफ इंग्लिश विच आई हैव टॉट, देन यू कैन राइट योर ट्रांसलेशन योर डाउट इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई एज सून एज इट इज पॉसिबल. तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं. लेकिन अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कंटिन्यू अपनी क्लास को ऐसे चलाती रहूं. तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल आप लोग से. टिल देन बाय. अब हम नेक्स्ट चैप्टर